भिखारी की झोपड़ी में मिला खजाना। पैसे गिनते गिनते पुलिस वालों के भी उड़ गए होश। इतने पैसे मिले कि गिनते गिनते थक गई पुलिस। बैंक पासबुक नकद के साथ साथ मिली लाखों की दौलत। आपने राह चलते या किसी मंदिर या स्टेशन के पास बैठे भिखारियों को तो देखा ही होगा। भिखारी के भीख मांगने पर आप उनको कुछ पैसे भी देते होंगे। कभी कभी भिखारी का हुलिया देखकर लोगों को अंदाजा नहीं होता कि जिस भिखारी को हमने पैसे दिए उसके पास क्या होगा और कितना पैसा होगा। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसे देखकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए। दरअसल एक लोकल ट्रेन से कटकर एक भिखारी की मौत हो गई। भिखारी की मौत के बाद जब पुलिस ने उसके अते पते के लिए उस भिखारी के झोपड़ी की तलाशी ली तो जो कुछ मिला उसे देखकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। भिखारी का नाम बीर बिचंद आजाद था और वो गोवंडी रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पार करते वक्त लोकल ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। भिखारी की पहचान होने पर रेलवे स्टेशन की टीम उसकी झोपड़ी में पहुंची तो कई बोरियां और थैलियों में भरे हुए सिक्के मिले। इतना ही नहीं, भिखारी के घर से बैंक की पासबुक भी मिली है जिसमें कुल 8,77,000 रुपए जमा की रसीद मिली है। भिखारी के घर में मिले सिक्कों को गिनने में पुलिस को 8 घंटे लग गए और ये करीब 2.5 लाख रुपए के सिक्के बताए जा रहे हैं। झोपड़ी से भिखारी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और सीनियर सिटीजन कार्ड भी मिला है जिस पर राजस्थान का पता लिखा हुआ है। राजस्थान के रहने वाले बीर बिचंद मुंबई के गोवंडी इलाके में रेल पटरी के पास ही रहते थे और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके पास इतने पैसे होंगे। भिखारी के पड़ोसियों ने बताया कि पहले बीर बिचंद आजाद के साथ उसका परिवार भी रहता था, लेकिन बाद में उसका पूरा परिवार चला गया और वो अकेला रहने लगा। न्यूज़ लाइव डेस्क, पटना।